ईपीएफएसी 2023 इंटरव्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 13th ऑफ मे। यू पीपल आर रेडी, दोज हु आर हैविंग इंटरव्यू इन द फर्स्ट वीक। सो फर्स्ट वीक व्हेन कैंडिडेट आर एंड पार्टिकुलरली फर्स्ट डे व्हेन दे गो टू इंटरव्यू बोर्ड, दे आर हैविंग लिटिल हेजिटेशन रिलेटेड टू टॉपिक्स व्हिच क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। बट ग्रेजुअली एज इंटरव्यू मूव्स वी आर अवेयर अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल आस्क्ड। Every time I am providing some of the questions, some of the topics which can be possibly asked in the interview board. Obviously, there are so many questions, and every question will not be asked from every candidate. First and foremost thing, you should look after your interview, your DF. Your DF is the most important aspect. आपका जो DF है वो सबसे ज्यादा important है। तो DF को अपना बार बार देखो, और इसमें से जो टॉपिक, अभी जैसे हमने ये पार्ट वन टोटल हम 100 क्वेश्चंस आपको 100 टॉपिक्स प्रोवाइड कराएंगे। हो सकता है कुछ टॉपिक आपके रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ टॉपिक में एक ही टॉपिक में दो हो सकते हैं, तो उस ढंग से हम 100 आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। वंस जैसे ये हम 4 डेज में ये 4 पार्ट कर देंगे, तो 25 25 25 करेंगे, तो आपको रेगुलर रूप से वो क्वेश्चंस को इनको देखना है। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बहुत सारे जो हैं इससे आते हैं, एवरी टाइम आते हैं, ऐसा नहीं है रैंडम मैं कहीं से पिक कर लिया हूं, नहीं। जो क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो हमने पहले चीजों को देखा है, जो इंटरव्यू बोर्ड में जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देकर के आए हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस के आधार पे, तो इनको एटलीस्ट आपके पास कंटेंट इतना होना चाहिए कि 2 मिनट आप बोल सको, बस ज्यादा नहीं। आपको प्रोफेसर नहीं होना है, आपको रिसर्चर नहीं होना है, लेकिन 2 मिनट्स आपके पास बोलने के लिए हो। तो ये पार्ट वन है, फिर पार्ट टू थ्री फोर हम ये 4 में 25 25 करके 100 देंगे। और वंस जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट वीक में जो कुछ नए क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो उनको भी हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चैट जीपीटी आप देख रहे हो, या गूगल का बार्ड जो कि आजकल जेमिनी हो गया है, ठीक है, तो ये सब क्या है? जनरेटिव आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसको सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो क्या है कि आपके डेटा को एनालिसिस करता है, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को बताता है। जैसे आप यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं तो वो आपको कुछ टाइप का सिमिलर सजेशंस देता है, और या फिर जैसे आपका फेसबुक है, कुछ पेजेस को आप लाइक करते हो या किसी टाइप के पेज को देखते हो, तो यदि आप ज्यादा उस पेज को देखने लगते हो तो उस टाइप के आने लगते हैं। कहीं भी आप देखोगे कि एन नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट वगैरह आते हैं, तो बहुत सारे आपके इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या, ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो टोटली आपके टेस्ट प्रेफरेंसेस कमांड इंस्ट्रक्शंस के आधार पे आपको न्यू चीजें प्रोडक्ट तैयार करके देता है। चाहे वो म्यूजिक तैयार करना हो, आज के डेट में वीडियो वगैरह सोरा जो है वो वीडियो बना दे रहा है आपके इंस्ट्रक्शन से, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, बहुत सारी चीजों को कर सकते हो, तो ये जनरेटिव। लेकिन ये क्या है, परफेक्टली सही नहीं होता है, ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज होती है, बट आपको जानना है। नेक्स्ट आपका COP28, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है 28। तो देखो 26 काफी इंपॉर्टेंट था, 28 भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में मैं डिटेल, ये इसमें एक तरह से मैं टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर जैसे जो भी पेड वाले कैंडिडेट्स हैं उनको कोई टॉपिक में दिक्कत होगा तो वो पूछेंगे, उसमें हम डिस्कस कर देंगे ग्रुप में जो रेगुलर रूप से आपको करते हैं। नेक्स्ट आपका है चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट इन कूनो पालपुर। ऑब्वियसली उसमें टाइम हो चुका है, इनफैक्ट आपका आई थिंक 17th ऑफ सेप्टेम्बर 2022 को लाया गया, लेकिन बहुत सारे चीता जो हैं वो उनका डेथ हो जा रहा, तो करेंट स्टेटस क्या है इसको देखना है। फिर इसी में लगे हुए आप टाइगर सेंसस वगैरह भी देख सकते हो, इंडिया में कितने टाइगर हैं, कहाँ टाइगर हैं, और रिलेटेड चीजों को देख सकते हो। नेक्स्ट आपका है प्राइवेटाइज। अब ये टॉपिक जो है ना हम ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लिए हैं, इसका कारण क्या है? अब मैं कर सकता था इस चीज को कि टेक्नोलॉजी का एक साथ ले लें, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक साथ ले लें, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक साथ ले लें, पॉलिटी का एक साथ ले लें, लेकिन मैं मिक्स इस वजह से दे रहा हूँ कि इंटरव्यू में आपको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पूछेंगे ना। कोई एक मेंबर आए वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं, उस टाइप का आपको रेडी रहना है। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में वहां उस ढंग से नहीं चलता है, तो इस वजह से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, व्हाई आर आर गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल फॉर प्राइमरी लेवल एजुकेशन स्पाइट ऑफ सो मच एक्सपेंडिचर इन दैट, योर सजेशंस टू इम्प्रूव द सिचुएशन। इंडिया में क्या होता है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर हो या प्राइमरी एजुकेशन हो, प्राइमरी लेवल पे खर्च ज्यादा होता है लेकिन वो सही से वर्क नहीं करते।
लेकिन हायर लेवल पे चाहे वो टर्शियरी केयर हेल्थ हो या आपका हायर एजुकेशन, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। आप आईआईटी में चले जाओ बहुत अच्छे हैं, एनआईटी में चले जाओ बहुत अच्छे हैं, आईआईएम्स में चले जाओ बहुत अच्छे हैं, टॉप की यूनिवर्सिटी में चले जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू या और जादवपुर यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, तो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है बहुत अच्छा है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है बहुत अच्छा है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे वर्क नहीं कर रहा, सेम हेल्थ केयर में भी होता है। तो इसके संबंध में चीजों को थोड़ा सा स्टडी कर लोगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ टीचर को कितना मिलता सैलरी, 5,000 से 10,000, ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 भी बहुत टीचर्स को नहीं मिलता। कुछ कुछ टीचर्स आई नो कि मतलब 3,000 में वर्क कर रहे हैं। अब सोचो गवर्नमेंट में वही टीचर कितना है, 30,000 40,000, मतलब 30 से तो किसी को कम नहीं मिल रहा है ना। तो क्यों आखिर इतना के बावजूद भी नहीं सुधर रहा, जैसे बिहार में देखोगे कि अभी 2 लाख प्लस टीचर्स रिक्रूट हुए और के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं, ठीक है, तो वो काफी एक्टिव हैं एजुकेशन को सुधारने के लिए। तो प्राइमरी एजुकेशन के संबंध में देखोगे कि क्या हमें प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, ये सारी चीज पर अपना ओपिनियन। देखो एट द एंड ऑफ द डे जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वो आपसे आपके ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड होते हैं कि आप किसी चीज के प्रति क्या सोचते हो। नेक्स्ट है आपका इसराइल ईरान कंफ्लिक्ट, इसराइल फेलिस्तीन कंफ्लिक्ट। अब इसमें से देखा जाए तो 2 टॉपिक है, लेकिन हमने एक ही पॉइंट में इसको मर्ज कर दिया है ताकि एक्स्ट्रा आप चीजों को देख सको। तो इसके संबंध में थोड़ा सा देख लोगे, हर टॉपिक पे आपके 2 मिनट्स के आसपास का कंटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जो 23 का, जिसको नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहते हैं, वो उसको देख लेना है। चंद्रयान 3 मिशन जो सक्सेसफुली हुआ, लेकिन आपका ऑब्वियसली वो लास्ट ईयर का 23 का है, लेकिन लास्ट 1 ईयर के विदिन का है, तो उसको आप देखो। फिर FSSAI एंड स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी देखो जो स्पाइसेस हमारे हैं उसमें कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस पाए गए हैं, जिसके कारण सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजरमेंट्स के तहत जो है बहुत सारे कंट्री ने इस पर बैन लगाने का बोला है और बहुत सारे शो फाइंडिंग्स वगैरह बताए गए हैं। तो आपको FSSAI जो इंडिया में फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी सिक्योरिटी देखती है उसको, और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया को देख लेना थोड़ा सा। देख नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक तरह से है WTO में सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस एंड रिलेटेड इशू, इसको थोड़ा सा देख लेना। हाउ टू स्टॉप ऑनलाइन फ्रॉड, ओके, विच इज इंक्रीजिंग एट वेरी हाई पेस, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और ये अच्छे अच्छे एजुकेटेड पीपल जो सो कॉल्ड पावर यूजर हैं, जो IT फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत सारे सिस्टम्स को बना रहे हैं, वो दूसरे को ज्ञान देते, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि उसमें भी फंस जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लोगे। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है, जामताड़ा एक सीरीज आया, वैसे मैंने नहीं देखा लेकिन आप लोगों में से शायद किसी ने देखा होगा, तो इसको भी एक देख लो। नेक्स्ट आपका स्लीपर सेल एंड लोन वुल्फ अटैक, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक्चुअली इंडिया में अभी ऐसी इंसिडेंट नहीं हो रही है, लेकिन US वगैरह में और खास करके ना बहुत जगह जो हेड स्लीपर सेल जो होता है वो एक तरह से उनको कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन मिलता है, लेकिन वैसे अदरवाइज सोसाइटी में मिक्स रहते हैं। तो इंडिया में वैसा बहुत कम हो रहा है, लेकिन कुछ एक जगह एक्टिव हो सकते हैं। लोन वुल्फ अटैक इंडिया में बहुत कम है, बट फिर भी कुछ सिचुएशंस आपके US वगैरह में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका कंडीशन ऑफ मणिपुर इन द आफ्टरमैथ ऑफ वायलेंस, 1 ईयर के आसपास हो गया है घटना का, तो अभी जो कंडीशन है अभी देखो सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ पीपल उनका किलिंग हो गया, तो इसके संबंध में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका ज्यूरिसडिक्शन ऑफ BSF इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर, जो पहले था कुछ जगह 15 से लेकर के 80 किलोमीटर तक वेरिएशन हो रहा था, अब इसमें यूनिफॉर्म रूप से 50 किलोमीटर कर दिया। तो बहुत सारे स्टेट्स जो है जैसे खास करके पंजाब वगैरह, जो एरिया पॉपुलेशन हाईली पॉपुलेटेड है, मतलब डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना। अब कुछ एरिया में 50 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, सपोज रन ऑफ कच्छ या गुजरात, ये राजस्थान, उसमें 50 किलोमीटर कोई ज्यादा नहीं होता है क्योंकि उसमें स्पार्स पॉपुलेशन है, लेकिन पंजाब जैसे जगह में, बंगाल वगैरह में, जहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन का, तो 50 किलोमीटर बहुत हो जाता है, तो इसको देख लेना। नेक्स्ट आपका फॉरेन यूनिवर्सिटीज कैंपसेस इन इंडिया, दो इट इज लिटिल ओल्डर बट स्टिल फिर भी रिलेवेंट है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेम एनी विच आर प्लानिंग टू ओपन इन देयर कैंपस इन इंडिया, वॉट आर चैलेंजेस इन दिस प्रोसेस, इसके रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज भी क्या है ये भी। नेक्स्ट है आपका मिडिल पाथ इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिया सिचुएशन, जो आज के डेट में जैसे जब इंटरनेशनल रिलेशन होता है ना, उसमें आप हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि इस कंट्री से हम रिलेशन रखेंगे और किससे नहीं रखेंगे,
जैसे आप अपने फ्रेंड सर्किल में या कुछ होता, चल ठीक है तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हें भी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं बात करते हो, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में अब ऐसा नहीं होता है, तो मिडिल पाथ आपको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका जो है पुलिस रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आर, ये देखो पेरिनियल क्वेश्चन है कि एवरी टाइम ये इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ आवर पुलिस, योर सजेशंस टू मेक इट बेटर, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड, ये जो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो है सुप्रीम कोर्ट का, देन धर्मवीरा कमीशन, धर्मवीर या धर्मवीरा बोलते हैं, धर्मवीरा कमीशन या धर्मवीर कमीशन, नेशनल पुलिस कमीशन भी इसको बोलते हैं, तो इसके संबंध में भी थोड़ा सा देख लोगे। नेक्स्ट है यूबराइजेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ आवर इकोनॉमी, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर। यूबराइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी जैसे देखो ऊबर से ये आया है, जो शहरों में टैक्सी वगैरह, अब हर को टैक्सी खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं होता है। अब कोई भी आप जैसे ओला ऊबर, तो ऊबर एक तरह से स्टार्ट किया, तो उसमें से क्या है कि आपको रखने की जरूरत नहीं है गाड़ियां। उसी तरह से एग्रीकल्चर में हर के पास ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत नहीं है, हर के पास ट्रैक्टर खरीदने के पैसे नहीं है, और जगह भी रखने के लिए बहुत लोग के पास नहीं है उस ढंग का। फिर थ्रेसिंग मशीन और डिफरेंट टाइप्स की मशीन, तो हम उसको एक तरह से मशीन बैंक वगैरह, ठीक है ना, मशीन बैंक कह सकते हैं, भी बना सकते हैं। और उबराइजेशन। नेक्स्ट है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर्स प्रोटेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ आवर फार्मर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू योर ऑन स्टेट, आपके अपने स्टेट के संबंध में विशेष रूप से इनको देखना है। नेक्स्ट आपका है इंडिया यूएस रिसेंट सब डिफेंस डील, अभी हाल में हमने क्या किया है, एंड फॉलो अप क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिया यूएसए रिलेशन इन अदर डायमेंशंस। और एक ऐसे भी इंपॉर्टेंट है कि यूएसए में इस ईयर में 2024 में इलेक्शन हो रहा है, तो जो कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडिया कनाडा रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ टारगेटेड किलिंग, जैसे निजर जो था फिर और गया जैसे पन्नू वगैरह जो है, निजर और कुछ कुछ है, तो उसके संबंध में जैसे इंडिया और कनाडा का भी थोड़ा रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है, तो आप देख लोगे। नेक्स्ट आपका है इंडिया ईरान रिलेशन इन टर्म्स ऑफ चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट एंड आर सेंट्रल एशिया लिंक एंड ऑयल इम्पोर्ट अंडर यूएसए सैंक्शन, ठीक है, तो इसको देख लोगे। नेक्स्ट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो ये 17 गोल्स हैं, वॉट आर आवर अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ करेंट पोजिशन, जो इंडिया का अचीवमेंट इसमें से क्या है, और आप कुछ 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 नाम एक जगह आप नोट्स लिख लोगे कि यस 17 है, उस 70 के नेम आप ध्यान रख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आपका है 23rd नंबर, व्हाट इज प्रोग्रेस ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया ऑल्सो अदर इनिशिएटिव टू टैकल द माओइस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, तो इसको देख लोगे। इससे रिलेटेड एक तरह से नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, यू शुड नो अबाउट टू इंसर्जेंट ग्रुप्स फ्रॉम ईच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 7 स्टेट्स हैं, उसमें से टू इंसर्जेंट ग्रुप का नेम देख लोगे। ये आपको जो है जो MHA है, MHA का जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, आप उस रिपोर्ट को देख सकते हो, एक बार ओवरव्यू उसका ले लोगे तो उसमें से आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ये देख लोगे। नेक्स्ट आपका ड्रीम 11 लाइक गेम्स आर हार्मफुल फॉर यूथ इन लॉन्ग टर्म, योर ओपिनियन, देखो ये एक तरह से मैं पर्सनली, आप अपना ओपिनियन डेवलप करोगे, मैं पर्सनली इन चीजों के खिलाफ हूँ कि मतलब यूथ जो है, ऑब्वियसली सरकार भी इसको एक तरह से स्किल गेम के नाम पे देखा जाए तो ये ओपनली जुआ खेलने के लिए, गैम्बलिंग के लिए कर रहे हैं। स्टिल आई से इट इज माई ओपिनियन, यू हैव टू मेक योर ओन ओपिनियन, ठीक है, तो इन ये 25 और हम आगे देंगे, पार्ट टू कंटिन्यू रहेगा, और मीन्स 100 हम देंगे आपको 4 डेज में कवर करा देंगे, यानी कि आज आपका संडे हो गया, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, वेडनेसडे तक हो जाएगा। ऑब्वियसली मंडे, नेक्स्ट मंडे को यानी कि 13th को आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, MHA का रिपोर्ट जो हमने बताया, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो आपका रिपोर्ट होता है, एनुअल रिपोर्ट जो पब्लिश करते हैं, तो लेटेस्ट वाला जो रिपोर्ट है उसको डाउनलोड कर लोगे, उसका एक ओवरव्यू देख लोगे, उसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। मॉक इंटरव्यू वगैरह आपको चाहिए तो आप अटेंड कर सकते हो। देखो सीधी सी बात है कि हर चीज में मेहनत लगता है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से आपको फ्री कराते हैं, मैं भी फ्री करवाया हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा और ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से मुझे और पैसे आ रहे हैं, आप लोग का ये कोऑपरेशन है, और इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, आप एक गेस्टेड ऑफिसर बनना जा रहे हो तो कुछ आप अफोर्ड कर सकते हो। तो जिनको भी इंटरेस्ट लगता है कि यस हमें 1 2 3 जो भी है मॉक
करने से कुछ फायदा हो सकता है तो करना चाहिए, ये अदरवाइज मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ आपको मौका मिले करें। लेकिन फिर भी कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स रहता है जो मैं बता सकता हूँ, जो मैं आपका समाधान कर सकता हूँ, तो जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।